is in Suknu area right now, and in different areas which are near the hills where the Maithai peoples are settled. And since the last 28th of May night, they have started with snipers and other sophisticated weapons. And they have burned down more than 500, 600 houses of Maithais. And yesterday night only, Suknu MLA Ranjit Singh house has been burned down by the so-called Kuki militants who are under the SU suspension of operation with government. Army, Assam Rifles, Adiabad, they can't attack them because they are under the agreement of SU. मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संदेश दे रहे हैं प्यार और भाईचारे का। हम बात करते हैं फर्स्ट बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल जिन्होंने मेडल लिया है, मणिपुर से हैं, ममता जी। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिनेरियो दैट वायलेंस इज गोइंग ऑन? हाउ? नमस्कार, माय नेम इज ममता देवी यमनाम। मैं मणिपुर से हूँ। मैंने अपनी कंट्री के लिए, अपनी छोटा सा मणिपुर से शुरू होके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा हमारी पुराने ज़माने में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि द लैंड ऑफ ज्वेल्स, ऐसा वाला जगह, इसी प्यारा सा जगह को अभी पूरा हर जगह पे आग से जली हुई है, पूरा बिखरी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने घर खोया, बहुत सारे लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज, अपनों को खोया है, बहुत सारे वहाँ पे, जैसे हमें मूवियों में अच्छा लगता है वो रियल में हो रही है। और बाकी जो अभी कंटिन्यूसली हमें सेफ्टी नहीं है, माइंड में ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा अगली सेकेंड में, हम क्या होने वाला है, तो ऐसे डर के इतना, मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हमें चाहिए कि वहाँ पे पीस चाहिए, जो बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा कॉर्नर, बहुत ज़्यादा दूर से एक इंडिया की छोटा सा कॉर्नर पे रहने वाले, एक छोटा सा प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा मणिपुर है। इसी मणिपुर का जो जगह से बहुत सारे हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे एथलीट ने नाम लिया है, अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस किया हुआ है, बहुत सारे हमें अपना, अपनी जगह से लेके बहुत सारे अपनी खुद की कंट्री के लिए एक सेक्रीफाइसेस की सारा खड़े हो जाती है। बहुत सारा लड़का लड़की, लेडीज बहुत सारे मणिपुर से बिलोंग होते हैं, और छोटा सा जगह को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सुबह की शाम की। अभी थोड़ी टाइम के बाद क्या होने वाला है नहीं पता। वहाँ पे हमें पीस चाहिए, जो खोया हुआ है उसको इनकी हेल्प करनी चाहिए, और ज़िंदगी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अभी जो है हमारी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इनका फोकस डाल के, जो प्रॉब्लम्स है सोल्यूशन निकाल के शांति रहने चाहिए। अभी अमित शाह जी गए हैं मणिपुर के अंदर, स्टे भी किया है, कुछ उम्मीद जगी है, कुछ पीस आएगी, आपको क्या लग रहा है? पीस आए तो सही है, जैसे वहाँ पे जब प्रॉब्लम को फेस करता है उसी माहौल में जो जीता है वही हमें महसूस कर सकते हैं। ये जो मूवियों में, कहानियों में अच्छा लगता है, वहाँ पे जो खोया है, वहाँ पे से किस तरह जिया है, किस तरह खाना खाना है, किस तरह सुबह शाम बिताएगा, वो लोग जो है बोलने की वर्ड्स नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो चुकी है कि जो किसी भी तरह से बहुत जल्दी से वहाँ पे शांति चाहिए, शांति चाहिए। जो बच्चे इधर उधर भटकता रहता है, वहाँ का जो माहौल जो है एक तरीके से बचाएगी तो हम सब के लिए अच्छा होगा। यही मैं अपने जो हमारी मणिपुर के बड़े लोग भी और इंडिया के बड़े लोग भी इनकी ऊपर बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। इलीगल इमिग्रेंट्स का भी और पॉपी का भी सब्जेक्ट आ रहा है कि पॉपी कल्चर जो हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट हो रहा है, वो भी लोग बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? हाँ, पॉपी ये जो है हमें स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये एक नशा होता है, इनकी वजह से शुरू हुआ है बताया, तो हमें जो अपनी यूथ को बर्बाद करने में लगी है, और इसमें बहुत सारे यूथ को, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, स्टूडेंट लोगों को, हमारे फ्यूचर का जो एक सपने लेके पेरेंट्स ने रखा है, सब बर्बाद होने से बचाने के लिए जो कदम रखा है, इसमें साथ देने चाहिए। और हर इंसान जो जिंदा रखा है अभी पैदा होके, तो एक दिन सबको छोड़ के जाना है, तो आपस में थोड़ा सा सोचने चाहिए, अपने फ्यूचर को बचाने चाहिए। तो यहाँ तक कि जब प्रॉब्लम जो आया है,
तो सुनने में अच्छा लगता होगा। और ये जो फेस करते हैं सुबह शाम, इनकी लाइफ को एक बार अपने आप के ऊपर इमेजिन करके, अपने आप को खुद सोच के, दुख के एक बार देखिए कितने मुश्किल से फेस किया होगा। ये हमने बचपन में फेस किया हुआ है, किसी के पास घर नहीं हो रही है, किसी की सारा कुछ अपने लोग बिखर चुके हैं, एक बार इसे जल्दी से जल्दी उसको बचा लीजिए। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था जिसमें एसटी स्टेटस की बात कही गई थी कि 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना था, उसके बाद सारा हुआ, तो एसटी स्टेटस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे जो भी हो जल्दी से सोल्यूशन निकाल के हमारी अपनी द लैंड ऑफ ज्वेल्स जो है पहले जैसा अच्छी तरह से, बहुत टाइम लगी थी यहाँ तक आने में, अभी सारा बर्बाद हो गया, आग से पूरा जल के राख हो चुका है, उसको दोबारा इसको एक बार बनाने में मदद कीजिए। और हम अपने कंट्री, अपने मणिपुर को, मणिपुरी जो रहने वाले लोग जो है खाली मणिपुर की नहीं सोचती नहीं है, अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। मैं भी आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मेडलिस्ट, अपनी कंट्री के लिए मैंने अपनी दम पे, अपनी मेहनत से अपनी कंट्री के लिए नाम लेने के लिए कोशिश किया था, अपनी कंट्री के लिए फ्लैग उठाया बाहर जाके। ऐसे बहुत सारे मणिपुर से बिलोंग करते हैं, इसी मणिपुर को एक बार बचा लीजिए।